नवलगढ़ के गेरके मंदिर से भगवान जगतनाथ की रथ यात्रा मंगलवार की शाम निकाली गई। मंदिर में विराजमान भगवान जगतनाथ उनके भ्राता बल ब्रदर बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को सुजीत रथ में विराजमान कर उनका आकर्षक परिधानों तथा आभूषणों से श्रृंगार किया गया। पूरे रथ की भव्य सजावट की गई। मंदिर पुजारी सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में सामूहिक महाआरती की गई, जिसके पश्चात भक्तों में भगवान जगतनाथ को रथ खींचने की होड़ रही। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाली गई। ये हमारे पूर्वजों द्वारा मंदिर बनाया गया था, करीब 150 साल पूर्व बनाया गया था। हमारे जो गणेश नारायण जी बावड़िया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, उसके पिताजी द्वारा घनश्याम दास जी द्वारा यहाँ की नींव रखी गई थी। हमारे पूर्वजों को चारों धाम बनाने की इच्छा थी, परंतु चारों धाम नहीं बन गए। हमारे मंदिरों में 3 धाम ही बन गए, जगन्नाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर और श्वेत मंदिर में शुरू कर। नवलगढ़ में 4 धाम विकसित है। बद्री नारायण जी का जो मंदिर है, जो खाटी जी का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वो उदयपुर स्टैंड के ऊपर वहाँ आखातीज को दर्शन होते हैं, तो हर साल आखातीज को पट खुलते हैं। हमारे यहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुद्ध दूज की हमेशा निकाली जाती है। कोरोना काल में 3 साल का समय कोरोना काल का होने की वजह से नहीं निकाली गई थी, फिर वापस उसी प्रगति पर चल रहे हैं। वही चावलों का प्रसाद जो पूरी में लगता है, वही चावलों का प्रसाद होता है। हाथ से खींचा हुआ रथ, जो कि हाथ से ही खींचा जा रहा है, अभी आप देख रहे होंगे उसी समय।